नमस्कार दर्शक मित्र, एग्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है फेमस पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी फिरोज मोरकस जी। फिरोज मोरकस जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे थैंक यू। स्टूडियो में। फिरोज जी सूरत से है, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने गुजरात से फर्स्ट, मतलब सूरत से एक ही ऐसे पर्सन है जो डॉक्टरेट डिग्री उनको मिली है। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका करती थैंक यू हूँ वेरी और मच। शुभेच्छा देती हूँ थैंक आपको यू। कि आपको डॉक्टरेट डिग्री पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस के लिए आपको मिली है। तो सर वो डिग्री आपको कैसे मिली है और कहाँ से मिली है वो हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और ये डिग्री मुझे बेंगलोर से मिली है 1 मार्च को। पूरे जी गुजरात में और सूरत से मैं अकेला ही था एज अ पार्टिसिपेंट इन दिस डॉक्टरेट फील्ड। और मेरे पिछले 10-12 साल के ऊपर मेरा जो काम है पब्लिक के अंदर, जी मेरा जो सेक्टर्स है जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जी वो उसको मद्देनजर रखते हुए जी मुझे सर अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी और सेंट्रल अमेरिका में जो स्वाहिली यूनिवर्सिटी है उनके जी कोलोब्रेशन में मुझे सर्टिफिकेट मिली है। जी सो उसका लिए मैं खास तो अपने पब्लिक का ही शुक्रिया अदा करूंगा, जी क्योंकि उनके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल सर, मुझे बहुत बिल्कुल सपोर्ट मिला है सूरत का स्पेशली और पूरे गुजरात का, जिससे जी मुझे सर्टिफिकेट हासिल हुई है। एंड जी आई एम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम टोटली डॉक्टरेट इन माई लाइफ। जी मतलब अब फिरोज मोरकस जी नहीं रहे हैं, उनके आगे डॉक्टर लगाया जाएगा अभी। बिल्कुल सही बात लग है ना, गया मैंने लग जी लग गया गया अभी। मतलब हम लोग मतलब डॉक्टर फिरोज मोरकस से नाम से अभी उनको जानेंगे हम। सर आपके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपको ये डॉक्टरेट डिग्री तो मिली है, लेकिन उसके अलावा आप बहुत कुछ करते हैं हमने सुना है, तो आप उसके बारे में बताइए प्लीज़। अच्छा, मेरा सूरत में मेरा एक तो हीलिंग सेंटर है, जी मेरी सर ऑफिस है जी जहाँ से मैं ये सब ऑपरेट करता हूँ। और मेरा बेसिकली आई एम अ काउंसलर, फैसिलिटर, हीलर, थेरेपिस्ट, जी फेस रीडर एंड जी ऑरा रीडर। मेरी जी काफ़ी डिग्रीज है, इतने सालों में मैंने काफ़ी मेहनत की है, अलग अलग कोर्सेज पहले किए थे। पहले भी मैं एक जनरल, पहले जब से मैं, आप पूछते हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पिछले कैरियर के। फर्स्ट जी आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, मैं पहले जी ऑर्गेनाइज करता था वर्कशॉप। उसके जी बाद मुझे लगा कि ये फील्ड बहुत ही अच्छी है जी और ये फील्ड में अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो हम पब्लिक को बहुत दे सकते हैं। मेरा पहले जी से मोटिव यही था कि मैं जो भी काम करूं, जी फर्स्ट आई वाज डूइंग माय बिजनेस, मैं बिजनेस करता था। उसके बाद जैसे जैसे मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट आना शुरू, लास्ट 10-12 साल से मैं फील्ड में आ चुका हूँ। और जी मैंने धीरे धीरे ऑर्गेनाइज के बाद मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स किए, काफ़ी ट्रेनर्स के पास से ट्रेनिंग भी ली। मैं जी थैंक्स भी करूँगा उन काफ़ी ट्रेनर्स और मेरे टीचर्स और मेरे जी मेंटर्स को जिसने मुझे सिखाया ये लेवल के। काफ़ी जी सर्टिफिकेट्स मैंने हासिल किए जी अलग अलग फील्ड में, ये जो जितने भी जी फील्ड है। जी और आज ऐसा है कि मैं चले 5 साल से अपने खुद के वर्कशॉप्स भी कर रहा हूँ जी और बहुत सारे पब्लिक को काउंसलिंग भी करता हूँ, जिसमें जी हर एक तरह के काउंसलिंग आ जाते हैं। जी पेरेंटल काउंसलिंग, कपल जी काउंसलिंग, बड़ों का जी काउंसलिंग। अच्छा, जी मेरे सेंटर है वहाँ मैं डिप्रेशन, माइग्रेन, सुसाइड केस और ये काफ़ी जो आज के स्ट्रेस लेवल में, आप तो जानते हैं जी जी कि आज तो बिल्कुल बहुत काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है। लोगों को, सबको आगे बढ़ना है, किसी को जी पीछे नहीं रहना है, निष्फलता बहुत आती है सामने, तो जी वो हिसाब से लोगों को इतना टेंशन आता है। तो आई डू माई हीलिंग और मेरे काउंसलिंग के जरिए उन लोगों को बहुत राहत मिलती है। सो जी जितने मेरे इतने सालों का जो निचोड़ था, अभी और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं ऐसे जी नहीं बोलता हूँ कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, क्योंकि जी नॉलेज तो आप जानते हो कि जब तक जी हम आखिर मरते नहीं वहाँ तक नॉलेज की कमी तो जी रहती जी है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सीखता भी हूँ, अभी भी सीखता हूँ कुछ नई जी नई चीज़ जो मैं जी अपने पब्लिक, मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स जी जो मेरे पे बिलीव करते, मेरे ट्रस्ट करते हैं, उसको जी मैं सिखाता हूँ। जी और मेरे काउंसिल ऑफिस में जो है वहाँ मैं मेरा काउंसलिंग करता हूँ, पूरे दिन मेरा जी काउंसलिंग चलता है। जी और मेरे जो जो सब्जेक्ट्स मैंने आगे आपको बताए वो जी सब सब्जेक्ट्स में मेरी डिग्रीज है। और जी नाउ आई एम गिविंग द वर्कशॉप्स ऑल्सो, पूरे गुजरात में मेरे वर्कशॉप चल रहे हैं, जी अहमदाबाद, सूरत, जी बड़ौदा, जी नवसारी, वापी, जी वलसाड़ और काफ़ी अभी मैं ट्राई करता हूँ बॉम्बे और पूना करने के लिए। जी मेरे क्लाइंट्स जो है वो पूरे इंडिया से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, जी चेन्नई से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, काफ़ी कोई देखते हैं। मैं फेसबुक पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जी सर मेरी खुद जी की यूट्यूब चैनल पे मेरी चैनल है फिरोज मॉर्कस के नाम से। और जी मेरे सीक्रेट स्टेप्स जो मेरे सेंटर का नाम है, मेरे फॉर्म का जी नाम है, उसके अंडर मैं ये सब काम करता हूँ।
जी सर, मतलब आप बहुत सारा काम करते हैं, तो जी उसमें बहुत कुछ सारा। स्पेशलाइज क्या है, स्पेशलाइज क्या स्पेशलाइज होता में तो है? मैं माइंड साइंस पे ज़्यादा काम करता हूँ जी अभी। सर, माइंड साइंस क्या है कि सामने वाले के अगर माइंड को आप पढ़ लेते हो या आपके वाइब्रेशंस उसके वाइब्रेशन से मिल जाते हैं तो यू जी कैन उसको आप पूरी तरह से रिजल्ट्स दे सकते हो। जैसे हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये जी तीनों तीन हमारे डिपेंड होते हैं हमारी बॉडी और माइंड से ही। जी अगर आपका माइंड सही होगा तो आपको कुछ नहीं होता है। मैं जी तो ये सर, बोलता हूँ कि हर एक किसी को अगर बीमारी भी आती है तो वो भी अपने माइंड के जरिए से ही आती है। जी सो मैं सर, माइंड साइंस पे काफ़ी वर्क करता हूँ और मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जो पब्लिक मेरे पास आती है उसको रिजल्ट्स मिलने चाहिए हर एक तरह जी के, जी सर, वो बिल्कुल मेरा बिल्कुल, मेन मोटो है। जी सर, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और दर्शक मित्र, फिर से मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे साथ जो है फिरोज मोरकस जी, डॉक्टर फिरोज मोरकस जी, जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर वो काम करते हैं, और खास करके आजकल की लाइफस्टाइल के अंदर जो लोगों को निष्फलता मिलती है उसके बारे में भी सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनको निष्फलता मिलती है वो काम से, मतलब ऐसे अगर किसी की जॉब चली जाती है या तो कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ से अगर निराश हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, उसके मन में कुछ डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं, विचार आ जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? मैं छोटी सी टिप्स आपसे लेना चाहूंगी। देखो पहले तो मैं अपने आम पब्लिक को या अपने ऑडियंस को यही कहना चाहता जी हूँ कि निष्फलता तो हर एक को आती है। जी अगर सर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत निष्फलता देखी है जी मैडम, मैंने बहुत निष्फलता देखी है। निष्फलता के बाद ही सफलता मिलती है वो आप बिल्कुल सब सर, जानते हैं, लेकिन जय वो सब जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग लेते नहीं है। जी मेन चीज़ ये है कि अगर निष्फलता नहीं आएगी तो आपको सफलता किस तरह मिलेगी। तो जी मेरे पब्लिक से या मेरे ऑडियंस से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर निष्फलता आती है तो हार मत जाओ, समस्या बिल्कुल तो आती रहेंगी। बिल्कुल उसके लिए सर, मैं एक छोटा सा जो मेरा हर एक को मैं समझाता हूँ हर एक मेरे वर्कशॉप्स जी में, जी समस्या से समझने से पहले समस्या को समझो, जी समस्या को समझने से पहले समस्या को समझो, समस्या को समझने से पहले समस्या को नहीं समझेंगे तो समस्या समस्या रहेगी, समस्या को समझने से पहले समस्या को हल कर देंगे तो समस्या का हल निकल आएगा। अभी ये जरा बिल्कुल काफी जरा ऑकवर्ड है लेकिन ये मैं हर एक मेरे वर्कशॉप्स में जी, बोलता हूँ। तो मतलब मैं ये बहुत ही अच्छा यस मोटिवेशन वर्ड है मोटिवेशन जो, वर्ड है और जी मैं यही जी कहता हूँ कि अगर सफलता आती है तो निष्फलता को पास होते ही आती है। ऐसे सफलता जी किसी को भी नहीं मिलती। आप कहीं बड़े नेता को देख लो, कहीं सेलिब्रिटीज को जी देख लो, पहले निष्फलता को फेस करना ही पड़ता है। जी तो जो भी सर, निष्फलता को फेस नहीं करते ना उसको सफलता कभी भी नहीं कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी। अगर वाह सही निष्फलता बात है, को फेस करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। तो मेरा एक बिल्कुल ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप निष्फलता को फेस कर रहे हो, नेगेटिविटी को फेस कर, तो उसे थोड़े टाइम दो। कुदरत ने हमको दिया है माइंड हमारा, जी वो टाइम भी पास हो जाएगा। हर एक का टाइम समय आता है, खराब जी समय आता है, अच्छा समय आता है, लेकिन हम हमेशा अच्छे समय की बात देखते हैं और जी दुख को कभी अपनाते नहीं है। तो थोड़ा दुख जी भी अपनाने की कोशिश करो, सुख अपने आप आ जाएगा। जी बहुत ही अच्छी बात है सर, फिरोज जी ने बहुत ही अच्छा ये मोटिवेशन आपको टिप्स भी दे दिया है। अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ है या किसी चीज़ से एकदम से अलग से हो गए हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्ड था कि आप आगे बढ़ सकते हो। सर, आप इतना सारा वर्क भी करते हो और साथ में लोगों को भी संभालते हो, क्योंकि पब्लिक पर्सनालिटी हो आप, ऐसा बोल सकते हैं, तो आप मैनेजमेंट कैसे करते हो सब कुछ, सब मैनेज देखो कैसे कर पाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट है, जी सेकेंडली कि माय वाइफ मेरे साथ में ही है, वो मेरी जी पर्सनल असिस्टेंट है, जैसे पीए है, अरे मेरी जी पीए है जो 24 आवर्स मेरे साथ ही रहती है। जी बहुत ही सो अच्छी बात मेरी है खास सपोर्ट मेरी वाइफ है, शी इज ऑल्सो ट्रेनर, जी उसको भी यूएसए सर्टिफाइड अभी ट्रेनर हो गई है लास्ट वीक में ही, आज ही ओके मैंने उसका एक अपलोड किया है। शी इज जी ऑल्सो वो भी मेरे हाथ नीचे ऐसी ट्रेंड हो गई कि लेडीज जो भी आते हैं हमारे वो हैंडलिंग करती है। तो मेरी वाइफ का मेन सपोर्ट है, 50% नहीं 100% बोलूंगा कि मेरी वाइफ का सपोर्ट है और जी वो मेरे से भी पॉजिटिव है। मैं आज कैमरा के सामने बोलना चाहूंगा कि वो जी इतनी पॉजिटिव है कि समझो कि जी मैं 90% हूँ तो वो 100% पॉजिटिव है वाह और क्या उसकी बात है पॉजिटिव की वजह से ही मैं ये स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो जी आज मेरे सपोर्ट मेरी वाइफ ही है, 24 आवर्स मेरे साथ में रहती है और जी पब्लिक को भी हम टोटली दोनों हैंडल करते हैं। अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता तो वो हैंडल करती है, जी लेकिन मेन सपोर्ट वही है। अब जैसे घर का सपोर्ट मिले तो उसके या बाहर के सपोर्ट को ढूंढने की कोई कोई जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं होती। ये प्रोग्राम अगर आपकी वाइफ, आपकी मैडम देख रही है, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ होगा आज कि फिरोज जी ने आज कैमरा के सामने सब कुछ बोल दिया है आपके बारे में। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बधाई देती हूँ कि ऐसे फिरोज जी के साथ आप वर्क कर रही हो, और बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है आज।
सर अभी आगे बात करते हैं, तो आपका सोसाइटी में आप कैसे वर्क करते हैं, मतलब हेल्प करते हो आप सोसाइटी को भी, तो वो कैसे करते हैं आप? देखो, हमारा दो तीन वर्कशॉप्स हमारे ऐसे हैं कि हम हीलिंग पे काम करते हैं, तो हमारे अलग अलग हीलिंग ग्रुप्स है, जहाँ किसी को भी अगर कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे फ़ोन करता है या मुझे मैसेज करता है। एक बार मैं कैमरा के सामने आज कहना चाहूँगा कि मैं 24 घंटा मेरा फ़ोन ऑन रखता हूँ मैडम, बिल्कुल 24/7 मैं काम करता चाहता हूँ। रात को अगर 2 बजे भी किसी का फ़ोन आता है तो मैं उठाता हूँ, अगर नहीं उठा सकता तो जब मुझे पता चलता है मैं अवश्य उनको आंसर देता हूँ। मेरे जी पूरा दिन काउंसलिंग चलता है, मेरे ट्रिप्स रहती है, मेरी जी वास्तु विजिट्स रहती है, या जी फिर मेरे वर्कशॉप चलते हैं सैटरडे संडे। कहीं भी जब मैं बिजी होता हूँ तब मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, लेकिन उसके बाद 100% मैं फ़ोन उन लोगों को जो भी मुझे फ़ोन करता है जो भी काम के लिए, तो जी पूरी सोसाइटी को मैं लेके चलता हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि सोसाइटी है तो मैं हूँ, मेरा बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल आज सोसाइटी और पब्लिक ने मुझे जो डिग्री हासिल करने में मदद की है तो मैं जी उनका उनका तो ऑब्लिगेशन हमेशा मेरे साथ जी रहेगा। सर और अभी भी बिल्कुल मैं आपके सामने भी मैडम कैमरे के सामने कह दूंगा, अगर किसी को भी कहीं भी ज़रूरत हो तो मुझे जी कांटेक्ट करें, 24 आवर्स मैं हमेशा सेवा के लिए जी तैयार सर रहता हूँ। और ऐसे बिल्कुल हम कोई ऐसे ग्रुप भी चला रहे हैं जहाँ फ्री हीलिंग भी करते हैं, जिसको जी पब्लिक को राहत मिले। अगर कोई जी नहीं पैसा खर्च सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई जी ओपन नहीं होना चाहता, तो मुझे मैसेज करता है जी और वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो जी ये मेरा सोसाइटी की तरफ से जो मैं काम करता हूँ। जी बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सोसाइटी के लिए भी आप काम करते हैं, अपने खुद के लिए भी करते हैं और सोसाइटी के लिए भी करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, मतलब जी। फैमिली के लिए भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगी कि वर्कशॉप जो आप करते हैं तो किस प्रकार के वर्कशॉप होते हैं, वर्कशॉप के अंदर क्या होता है? मेरे एक्चुअली अभी तक मैंने जो डेवलप किया है छेले 4-5 साल में, वो जी मेरे 10-10 सब्जेक्ट्स है। जी मेडिटेशन हीलिंग लेवल 1, जी मेडिटेशन हीलिंग एडवांस कोर्स जो जी मेडिटेशन के हिसाब से चलता है, जी चिल्ड्रंस वर्कशॉप है जिसमें हम मेन ब्रेन मेमोरी जी डेवलप करते हैं, कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं, वो जी वैकेशंस में ज़्यादा होते हैं, आज पढ़ाई की बहुत तकलीफ है, तो जी हम वो स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं उसके ब्रेन पावर को कि जी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। फिर मनी रिलेटेड वर्कशॉप हम करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स है मनी के जी रिलेटेड, किस तरह मनी को अट्रैक्ट करना, ग्रो करना। मैं जी एक ऑरा रीडर हूँ, मैंने आपको पहले हाँ बताया जी था, हाँ तो जी ऑरा सर, का भी वर्कशॉप्स हम ओरा हम में लेते भी हैं, आते ही है धीरे ऑरा का धीरे वर्कशॉप भी हम ओरा में मैं भी करता जाएंगे हूँ। और मनी पे भी जाएंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया मतलब ज्यादा जरूरत ज़्यादा लोगों को जरूरत मनी जो की है, है वो मनी की है, और ओरा भी बहुत कम लोगों को बहुत पता कम होता लोगों को है, पता है सब्जेक्ट, तो ये हालांकि वो मेन सब्जेक्ट सब्जेक्ट या है। फिर मैं टैरो जी रीडिंग करता हूँ, जी कपल काउंसलिंग करता हूँ, कपल्स के जी भी वर्कशॉप है, अगर जी कपल्स में अनबना है या उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसका भी एक जी वर्कशॉप आता है। जी और मेन मैं यूएसए सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, एक्सेस बार, एक्सेस जी बार कॉन्शियसनेस एक 32 पॉइंट्स है जो साइंटिफिकली पॉइंट से वर्क करता है पूरी बॉडी में जी एनर्जीज। मेरा मेन काम एनर्जीज का है मैडम, जी तो एनर्जीज के हिसाब से मैंने 10 सब्जेक्ट्स मैंने डेवलप किए हैं, और 10-10 सब्जेक्ट्स पूरे गुजरात में बहुत चलते, और इसको पब्लिक को बहुत ही रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स मिलते हैं। जी अब ये वर्कशॉप की हमने बात की, अभी आपका जो लाइफ का ध्येय है वो क्या होगा? आपने इतना सारा काम कर लिया, इतनी सारी देखो अभी तो अचीवमेंट कर काम तो ली, आप डिग्री बोलते भी आपको हो, मिल गई है मुझे सब कुछ मिल गया विद द जी ग्रेस ऑफ गॉड और या सबके सपोर्ट के साथ, जी लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे जी अभी आगे बढ़ना है और जी बहुत आगे जाना है, और पब्लिक को और फैसिलिटीज़ या जो भी राहत दे सकता हूँ जी उसे दे सक मेरे लाइफ के अंदर मैंने जो अचीव करना वो हो गया। अभी जी मेरा एम ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अटेंड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिसको भी डिफ़िकल्टीज है हर एक फील्ड में, आज बच्चों का प्रॉब्लम है, बड़ों का प्रॉब्लम है, मेरे पास मैडम 4 साल 5 साल से लेके बच्चों को लेके 70 इयर्स तक सब आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के। किसी जी को हेल्थ प्रॉब्लम होता है, किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम होता है, जी किसी को स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को एंजाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है। ये भी एक बात बता दूँ कि मैडम मैंने काफ़ी सुसाइड केस भी सॉल्व किए हैं, जी सुसाइड आजकल बहुत का बढ़ता आजकल है बहुत बड़ा सुसाइड केस है, सुसाइड जी करने से मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करके उसको वहाँ से छुड़ाया है, जी काफ़ी कपल्स को मैंने डाइवोर्स होने से भी बचाया है। मैं जी आपको फिगर्स तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन जी काफ़ी है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये मेरा और एम है कि कहीं भी सब शांति हो, सब आराम से जिए, हेल्थ मेन है, मैं मेन हेल्थ पे मेन काम करता हूँ, क्योंकि आपकी जी सबकी मेन प्रॉब्लम आज हेल्थ का है, तो हेल्थ उस पर और मेरा पैसा हेल्थ दो और पैसा, अगर चीजें पैसा आएगा तो हेल्थ हेल्थ भी बिगड़ेगी, और गिरेगी हेल्थ बिगड़ेगी तो उसके लिए फिर पैसा पैसा चाहिए, तो ये चाहिए, दोनों वाई सा दोनों वर्सा चीज है। तो इंपॉर्टेंट मेरा है जो एम है ना वो मेन मैं यही चाहता हूँ कि हर एक को
कोई भी तरह से उनको राहत मिले और दे कैन लिव हैप्पीली। जी बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम भाई ये हेल्थ की भी बात हो गई, सब बात हो गई, अब मनी पे भी हम बात करते हैं क्योंकि मनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और पैसा है तो सब कुछ है, सबके लिए यही अभी एक मायने रखता है क्योंकि पैसों के बिना कुछ भी लाइफ में नहीं होता है। तो सर पैसा आए उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होगा, मेरा नहीं सबका होगा। देखो पैसा एक ऐसी चीज है कि हम ऐसे तो तोड़ के नहीं ला सकते जी, बिल्कुल। उसके लिए हमको अट्रैक्ट ग्रो एंड होल्ड मनी, ये तीन वर्ड्स है जो सब मैं आपको सब सबको बोलता हूँ कि याद रखे, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हाउ टू ग्रो, और अगर बढ़ जाता है पैसा तो हाउ टू होल्ड। वो पूरा एक मैनेजमेंट चार्ट होता है जिसमें हम उसको समझाते हैं कि किस तरह आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। पैसा कम आता है तो भी आप रह सकते हो, पैसा ज़्यादा आता है तो भी आप रह सकते हो। और मेरे मनी वर्कशॉप मेरा स्पिरिचुअल होता है, मोटिवेशनल नहीं होता है, मेरा स्पिरिचुअल होता है किस तरह हम कुदरती रीत से काम ऐसे ऐसे भूल करते हैं हमारे लाइफ में कि जिसके जरिए हमारा पैसा हमारे से दूर जाता है। तो पैसा को किस तरह लेना किस तरह देना वो सब बहुत मायना रखता है, अगर वो आप फॉलो करो दैट आर ऑल आर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेंगे पैसा डिफॉल्ट आपको आएगा। और पैसा आने की वजह एक ये भी है कि आप जो भी काम करो ना ईमानदारी से करो, आप जो भी फील्ड में हो, मैंने कहता मेरी फील्ड कोई भी फील्ड, अगर आप बेचते हो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो कहीं किसी को देना है लेना है, आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ चलेंगे ना तो पैसा आपके सामने आएगा 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 ही। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात कही सर आपने। अभी मनी की भी बात हो गई, अभी हम वास्तु की भी एक टिप्स ले लेते हैं वास्तु की आपसे, कि वास्तु में अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को घर घर में या ऑफिस में अगर वास्तु हमें देखना है तो वो कैसे, आप मतलब थोड़े से दो तीन पॉइंट्स आप बता दीजिए। देखो मैंने वास्तु का काफ़ी स्टडीज किया है, काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं और काफ़ी नॉलेज भी लिया है, थोड़ा गॉड गिफ्ट भी समझ लो, पर वो एनर्जीज के जरिए हम काम करते हैं। हम वास्तु में ज़्यादातर चेंजेस में नहीं मानते, जो है वो है, कहाँ एनर्जीज कम है उसको किस तरह बढ़ाने का, क्रिस्टल्स का भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल होता है कि अगर आप क्रिस्टल्स रखते हो तो भी एनर्जीज बढ़ती है। अगर क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं करते तो आपका सोने का खाने का बैठने का किचन बेडरूम वो बहुत मायना करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जीज है ना वो रोटेट होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। आपका घर ऑफिस कहाँ है वहाँ से किस तरह एनर्जीज पास होती है, कभी ये पृथ्वी में से भी नेगेटिव एनर्जीज पास होती है, अगर वहाँ आपकी जगह है तो उसको थोड़ा शिफ्ट कर लो तो वास्तु फ्री हो जाता है वो, और उसका बहुत बड़ा नॉलेज है। और मैं वास्तु विजिट जहाँ भी जाता हूँ तो पहले एनर्जीज चेक करता हूँ और एनर्जीज किस तरह बढ़ाने की वो मैं वहाँ आके आपको बताता हूँ। जी दर्शक मित्र, आप मल्टी टैलेंटेड फिरोज मोरकस जी से आप सब लोगों मिले हैं, अभी अगर आपको उनको पर्सनली मिलना है तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी ऑफिस इस पर आप कब मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो मेरा ऑफिस नानपुरा में है, सीक्रेट स्टेप्स इज द नेम ऑफ माई ऑफिस, 502 स्टेटस बिल्डिंग पालिया स्ट्रीट अपोजिट हिल्स नर्सरी नानपुरा, दिस इज माई एड्रेस। और मेरे टाइमिंग है मॉर्निंग 10 to 7, और उसके बाइंडिंग में अगर रात का भी अपॉइंटमेंट होता है तो आई अटेंड इट। अगर कोई बाहर से आता है और मॉर्निंग में भी अपॉइंटमेंट लेता है तो मैं मेरे सेंटर पे हमेशा हाजिर रहता हूँ उन लोगों के लिए। सो ये मेरा एड्रेस है, आप कहीं भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ़ोन पे फेसबुक पे तो मेरा नंबर है ही सब हर जगह, नंबर भी आपको मैं दे देता हूँ। मेरा नंबर है 9879500152, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, 9879500152 जी। ऑफिस का एड्रेस तो मैंने आपको दे दिया जी। जी आपकी वेबसाइट हो तो वो भी बताइए। मेरी वेबसाइट है www.sacredsteps.coin, ये मेरी वेबसाइट है जहाँ से आपको पूरी मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरे इतने सालों का वर्क, मेरे फीडबैक्स, मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक्स, मैं जो जो एक्टिविटीज करता हूँ, मेरी जितनी डिग्रीज है, मैं क्या करता हूँ, सब वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। जी सर बहुत ही आपका शुक्रिया सर कि आपने इतनी अच्छी बात कही और हमारे दर्शकों को आज बहुत कुछ जानने को भी मिला। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अलग अलग विविध क्षेत्र से अलग अलग ऐसे ही पर्सनालिटी को यहाँ पे हमारे स्टूडियो में हम लाते हैं और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको उपयोगी चीज़ें भी मिले। सो सर एक लास्ट, जो आप सोशल मीडिया पे भी आप अवेलेबल है तो सोशल मीडिया के बारे में भी बता दीजिए सर। मेरे फेसबुक पर मैं लाइव भी होता हूँ कभी, और मेरा फेसबुक पे फिरोज मोरकस के नाम से मेरा अकाउंट है जी। मेरा पेज है सीक्रेट स्टेप्स,
यूट्यूब पे मेरी चैनल है फिरोज़ मार्कस, वेबसाइट तो मैंने आपको बता दी जी। जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे मेरा नंबर भी फेसबुक पे आप मिल जाएगा जी। और हर एक तरह से एड्रेस या कहीं भी मेरे क्लासेस जो चलते हैं, हर एक सिटी में जहाँ भी क्लास चलते हैं वहाँ ऐड आ जाती है, तो ऐड से भी आपको पता चल जाता है जी। जी सर, तो थैंक यू सो मच। हम फिर से ऐसे ही एक डिफरेंट, आज तो हमने बहुत कुछ एक साथ ले लिया था क्योंकि आज प्रोफाइल जानना था आपका सर। तो नेक्स्ट अगर हमारा जो एपिसोड रहेगा वो हम एक सब्जेक्ट वाले हम लोग करेंगे, जिस तरह से मतलब लोगों को अगर पब्लिक को भी कोई क्वेश्चंस करना है तो वो कर सकता है, तो लाइव टॉक रहेगा ये पब्लिक और हमारे बीच की। सो देखते रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को कि इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड विल हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। यानी कि आप अगर आपकी मदद नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको मदद कर सके जी, जी। और एक खास मैं आप वाइंडिंग वाइंड अप है अपना, तो मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मुझे डॉक्टर की डिग्री के लिए, क्योंकि मैडम इन लोगों की वजह से ही मैं हुआ हूँ। हाँ, मेरा काम है वो इन लोगों ने ही सराहा है और फीडबैक्स भी ऐसे दिए, मैंने रिजल्ट्स दिए जो उन लोगों को अच्छे लगे और उनके फीडबैक्स की वजह से इन लोगों के सपोर्ट, मेरे खास करके मेरे पार्टिसिपेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स, वो सभी को मैं खास खास मेरी तरफ से और मेरी वाइफ की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे आज ये पोजिशन मिली है वो सब आप ही हो। पब्लिक की वजह से ही हम है इधर, पब्लिक अगर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और उसके लिए मैं एक लास्ट वर्ड कहना चाहूंगा कि मैं किसी से अच्छा करूं वो मेरे मन में नहीं है जी। मैं किसी से अच्छा करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ करूं बहुत फर्क पड़ता है। एकदम सही बात बताई आपने सर, किसी के लिए हम करते हैं वो बहुत मायने रखता है, मायने रखता है और लोगों लोग याद भी रखते हैं, याद भी रखते हैं तो, और ब्लेसिंग्स मिलते हैं सबसे भी मिलते हैं। अच्छी बात है सर। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखते रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल, फेसबुक पेज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट का भी आप विजिट करिएगा, आपको कुछ डिफरेंट देखने को भी मिलेगा और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर से, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। Gujarat. I am running. First of all, let me thank all the dignitaries on the desk and my PhD friends. It is a great pleasure for me for earning this degree. It makes a difference, a lot of difference in me. I am running a healing center in Surat. I am a facilitator, face reader, aura reader, therapist, vastu consultant, NLP practitioner and hypnotist practitioner. I am a USS certified trainer in access bar consciousness. Thank you very much. I will try to serve more and more in my field to all the people who come to me. Thank you very much. Thank you.